हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ड्यूअल ऑफ ए ड्यूअल इज परिमल, एक थ्योरम है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने परिमल से ड्यूअल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है थ्योरम, ठीक है, ड्यूअल ऑफ ए ड्यूअल इज परिमल, ठीक है। एनी ड्यूअल जो परिमल दिया हुआ है, एक बार उसका ड्यूअल निकालेंगे, फिर उसका ड्यूअल निकालेंगे तो वो परिमल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे कंसिडर करते हैं प्रूफ करने के लिए। लेट द गिवन एल पी पी इज, ठीक है, मैक्स जेड हम लोग ले रहे हैं, मैक्स जेड इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है, और सब्जेक्टिव टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी, इक्वेशन वन इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थियोरम हम लोग चलेंगे, सेटिस्फाइंग एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वेयर सी बराबर सी वन सी टू डॉट 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 सी एन वन इंटू एन, ठीक है। एक्स बराबर वेरिएबल एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन, ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन और बी बराबर बी वन डॉट 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 बी एन, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने लेट कर लिया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, ड्यूअल ऑफ ए ड्यूअल इज परिमल, ठीक है, परिमल तक हम लोगों को जाना है। तो ये जो हम लोग माने हैं ये किसमें है, परिमल में है, ठीक है, इसका ड्यूअल हम लोग निकालेंगे। तो ड्यूअल ऑफ परिमल इक्वेशन वन का हम लोग क्या निकालेंगे, अभी ड्यूअल निकालेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे परिमल से ड्यूअल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैक्स है, तो मैक्स जेड है, इसको हम लोग पहले मीन जेड में कन्वर्ट कर लिया। मीन जेड बराबर ये जो था ये ऊपर चला जाता था ट्रांसपोज के साथ, यानी सी जो है बी के जगह पे आ जाता था और बी सी के जगह पे चला जाता था, ठीक है, ट्रांसपोज के साथ, यानी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मीन जेड बराबर हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ बी, डब्ल्यू एक न्यू वेरिएबल हम लोग ले लिया, ठीक है, और सब्जेक्टिव टू कॉन्स्टेंट का अगर हम लोग निकालेंगे तो ये अगर लेस देन इक्वल टू में है तो ग्रेटर देन इक्वल टू में हो जाएगा। तो यहां पर है यानी ए का ट्रांसपोज हो जाता है और एक न्यू वेरिएबल, और ये क्या हो जाता है जो साइन है वो चेंज हो जाता है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू सीटी, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा मैक्स में था तो मीन में चेंज हो गया और ट्रांसपोज ऑफ बी, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ बी डब्ल्यू के साथ आ गया और बी के जगह पे सी चला गया ट्रांसपोज ऑफ सी के साथ, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है, डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ सी, ठीक है, यानी यहां पे बी जो है सी के जगह पे चला गया ट्रांसपोज के साथ, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब होता है अगर कोई रो है तो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है और कॉलम है तो वो किस में चला जाता है, रो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने इस चीज को कन्वर्ट कर लिया। इसी का फिर ये हम लोगों ने क्या निकाला, जो परिमल था उसका ड्यूअल निकाला। अब इसी ड्यूअल का फिर ड्यूअल निकालेंगे, इक्वेशन टू हमने इसको माना है, ठीक है, ड्यूअल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू, टू इक्वेशन ये जो है इसको फिर हम लोग ड्यूअल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मीन है, ठीक है, तो ये मैक्स हो गया, स्टार को हम लोग डबल स्टार ले लिए, कोई भी कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मीन जेड स्टार है, ठीक है, बराबर ट्रांसपोज ऑफ बी डब्ल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्स मीन था तो मैक्स हो गया, ठीक है, इसको हम लोग जेड डबल स्टार ले लिए। और देखिए ये जो सी है यहाँ पे आ जाएगा, तो C यहां पे किसके साथ, ट्रांसपोज के साथ आएगा, तो C का ट्रांसपोज, ठीक है, C का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा T, ठीक है, ट्रांसपोज के साथ जा रहा है और B फिर ट्रांसपोज के साथ C के जगह पे आ जाएगा, तो B फिर जो B है B ट्रांसपोज पहले से था उसका फिर ट्रांसपोज के साथ आएगा तो यहां आ जाएगा, यानी, और A भी A का ट्रांसपोज है फिर इसका ट्रांसपोज होगा, यानी ट्रांसपोज ऑफ A का होल ट्रांसपोज T हो जाएगा, ठीक है, होल ट्रांसपोज Y, एक न्यू वेरिएबल हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कुछ चीज समझ लेते हैं कि अगर डबल ट्रांसपोज हो, मान लेते हैं कि ए, ठीक है, ए है तो ए का पहले से ट्रांसपोज है, फिर इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो ठीक क्या होता है, सिर्फ ए हो जाता है, ठीक है, ट्रांसपोज ट्रांसपोज खत्म हो जाता है, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, अगर रो में है तो कॉलम में कन्वर्ट होता है और कॉलम में है तो रो में कन्वर्ट हो जाता है। जब दो बार हम लोग करेंगे तो सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगा मेरा, ठीक है, यानी ए था तो ए ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे मैक्स जेड है तो यहाँ पे सी ट्रांसपोज ऑफ सी है, उसका होल ट्रांसपोज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी हम लोग ले लेते हैं, सी आ गया, ठीक है, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग सेटिस्फाइंग वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एल पी पी कैन बी रिटेन एज, ठीक है, इसको अगर हम लोग वाई के जगह पे एक्स ले लेते हैं, वेरिएबल है कोई भी वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं, तो मैक्स जेड बराबर सी एक्स,
और सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी हो गया, सेटिस्फाइंग एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो जब हम लोगों ने एक परिमल लिया, परिमल का जब हम लोग दो बार डुअल निकालते हैं तो सेम फिर क्या आ जाता है, परिमल आ जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने यही चीज को माना था और वही चीज यहाँ पे आ गया, ठीक है। Thus, the dual of a dual is परिमल, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रूफ हो जाता है, यानी हम लोगों ने क्या लिया, एक परिमल लिया और उसको दो बार डुअल निकाले तो वो क्या हो गया, फिर परिमल हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये इसको प्रूफ